हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज की मेरी रेसिपी टमाटर के सूप की है। आज हम टमाटर के सूप को बिल्कुल ही नए अंदाज में बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से बनाया गया टमाटर का सूप बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होता है। चलिए तो बिना देर किए टमाटर के सूप की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टमाटर का सूप बनाने के लिए हमने लिया है एक पैन। इस पैन में हम आधा बड़ा चम्मच देसी घी ऐड कर रहे हैं। देसी घी की जगह पर आप बटर भी ले सकते हैं। घी को हम मेल्ट कर लेते हैं। घी मेल्ट हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे दो चॉप की हुई लहसुन की कलियां और एक इंच चॉप किया हुआ अदरक। एक चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को मीडियम फ्लेम पर आधा मिनट तक सौटे करेंगे। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को आधा मिनट तक सौटे करने के बाद अब हम लो फ्लेम पर इनको आधा मिनट तक और पकाएंगे। सूप में थिकनेस लाने के लिए मैंने लिया है एक छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसका एक घोल बनाएंगे। कॉर्नफ्लावर की जगह पर एक छोटा चम्मच मैदा को थोड़ी देर तक रोस्ट करके भी सूप में ऐड किया जा सकता है। कॉर्नफ्लावर का घोल तैयार हो चुका है। अब हम इस घोल में थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। टमाटर का सूप बनाने के लिए कॉर्नफ्लावर का घोल तैयार हो चुका है। इस समय घोल की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। लहसुन और अदरक को पकाने के बाद हम ऐड करेंगे एक छोटे साइज की रफली चॉप प्याज, एक छोटे साइज की रफली चॉप की हुई शिमला मिर्च। अब हम ऐड करेंगे तीन बड़े साइज के रफली चॉप टमाटर। यदि आप टमाटर को वजन में मेजर करेंगे तो इनका वजन लगभग 250 ग्राम है। अब हम कॉर्नफ्लावर का घोल भी ऐड करेंगे। सभी सामग्री को एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 कप पानी। पानी की मेजरमेंट के लिए मैंने जो कप यूज किया है, इस कप में 240 ml पानी आता है। अब हम पैन को कवर करेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे। मीडियम फ्लेम पर सभी सब्जियों को हम करीब 14 से 15 मिनट तक पकाएंगे। करीब 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन सब्जियों को स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा सा मैश करेंगे। कुछ देर तक सब्जियों को मैश करने के बाद अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इन सब्जियों को एक स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लेते हैं। स्पैचुला की हेल्प से सब्जियों को इस तरह से प्रेस करना है। बची हुई इन सब्जियों को फेंकना नहीं चाहिए। इनसे सब्जी बनाकर तैयार की जा सकती है। अब हम ऐड करेंगे एक बड़े साइज के टमाटर की प्यूरी, एक बड़ा चम्मच शुगर, आधा छोटा चम्मच काला नमक, एक चौथाई छोटा चम्मच सफेद नमक। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। एक चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। एक छोटा चम्मच व्हाइट विनेगर ऐड करेंगे। दो बड़े चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ टमाटो केचप। सभी सामग्री को एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इस सूप को मीडियम फ्लेम पर करीब 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 4 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया टमाटर का सूप बनकर तैयार हो चुका है। एक बार सूप को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस समय सूप की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। इसी तरह का सूप पीने में अच्छा लगता है। अब ये सूप बनकर तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और सूप को सर्व कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया टमाटर का सूप बनकर तैयार हो चुका है। टमाटर के सूप की इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। गुड बाय।